देखिए, सारे लोग जो खड़े हैं ना हमारे आसपास और वहाँ भी जो खड़े हुए हैं, ये इंडस्ट्री की जान है, इंडस्ट्री की ताकत है। ये जितने भी एसोसिएशंस ऑर्गेनाइजेशंस जो इंडस्ट्री चलाती हैं उनके सारे रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके सारे मेंबर्स यहाँ पर जमा हो रहे हैं। और मुद्दा सिर्फ सिंपल है, यहाँ पे जितने भी लोग मेरे साथ ये सब खड़े हैं, सब लीडर्स हैं अपने अपने एसोसिएशन के, अपने अपने यूनियंस के। आप जूनियर आर्टिस्ट देख लीजिए, महिला कलाकार देख लीजिए, वॉइस आर्टिस्ट देख लीजिए, डायरेक्टर्स देख लीजिए, रीजनल सिनेमा के लोग, भोजपुरी समाज के लोग, सारे लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। और मुद्दा सिर्फ सिंपल सा है, एक बहुत ही सिंपल सा ये है कि हमें कानून के हिसाब से, लॉ के हिसाब से हम अपना काम करने दीजिए। ये जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं दोस्त, ये पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ कोई नहीं है। और इस देश में जितने भी लोग जो हिस्टोरिकल फिगर्स हैं, हिस्ट्री है, उसकी रिस्पेक्ट हम उतनी करते हैं जितनी कि आप करते हैं। तो हिस्ट्री की रिस्पेक्ट करने का ठेका सिर्फ आपने नहीं लेकर रखा हुआ है, वो हमारा ही फर्ज बनता है, बिकॉज हम भी इस देश के लोग हैं, हम कोई पाकिस्तान से नहीं आए हुए यहाँ पे। दूसरी बात, धमकाना, मारना, डराना ये शोभा नहीं देता। इसलिए हम सारे जो है ना अपने आप को आज अनाज समझ रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जो सिस्टम है, जो कानून है, जो कायदा है, वो हमें प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है और स्टेट बाय स्टेट इस फिल्म को बैन कर रहा है। मुद्दा यहाँ पर सिर्फ पद्मावती का नहीं है, सिर्फ संजय भंसाली का नहीं, हम जितने भी जो एसोसिएशन यहाँ जमा हुई है, हम जो यहाँ पर लोग जमा हुए हैं, वो इसी बात को अंडरलाइन करने के लिए आए हुए हैं कि हमें काम करने दीजिए, हमें सोचने दीजिए, हमें बनाने दीजिए फिल्में, हमें लिखने दीजिए जो हम चाहते हैं। क्योंकि अगर ये ट्रेंड शुरू हुआ तो कल से करनी सेना और ऐसे सारे लोग डिसाइड करेंगे कि आपका एडिटोरियल भी क्या होना चाहिए, आप स्क्रिप्ट क्या लिखेंगे, आप दिन भर क्या न्यूज़ चलाएंगे। तो जो ट्रेंड है, हम सारे लोग जो मेकर्स यहाँ पर हैं उस ट्रेंड से डरे हुए हैं। अशोक जी, एक सवाल जानना चाहूँगा, जब यूके की तरफ से आया कि भाई यूके में हम फिल्म रिलीज करने देंगे, लेकिन कैडी सेना ने कहा कि हम वहाँ पे भी जाके इस तरह से तोड़फोड़। देखिए, इस तरह का जो डेडिकेशन है, इस तरह की जो धमकी जैसी चीजें, आप कितना मानते हैं कि ये कितना सही है हिंदुस्तान? देखिए, बात जो है ना वो धमकी की नहीं है, वो जो धमकियों की जो बात कर रहे हैं ना, वो धमकी देने वाला धमकी देता है। यूनाइटेड किंगडम जो है वो करनी सेना नहीं चलाता। तो हम यही कह रहे हैं, बार बार यही कह रहे हैं कि हमें अपना हक है फिल्में बनाने का, आपको देखनी है आप देखिए, नहीं देखना नहीं देखिए, आपको फिल्म में कोई प्रॉब्लम है आप कोर्ट जाइए, कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले आइए, बात सिंपल सी, और क्या, और कुछ नहीं। देखिए, ये मुद्दा तो है ही जिसकी वजह से सब इकट्ठे हुए हैं, लेकिन और जो कि सीरीज होती आई हैं जैसा कि अशोक ने बोला, लेकिन हम इसके थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। ये जो सिग्नल है ना, ये बार बार एक सिग्नल पूरी सोसाइटी को दिया जा रहा है कि कुछ टाइम के बाद छोटे छोटे समुदाय हर चीज़ में आपको बताएंगे, हर किसी को बताएंगे कि आप और आपके बच्चे क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, क्या कपड़े पहनेंगे, क्या पढ़ेंगे, किससे शादी करेंगे, आपकी हर चीज़ कोई और तय करेगा, आपको बताएगा कि कौन सा त्यौहार मनाना है और कैसे मनाना है। और इसमें कोई भी तरीका ढूंढा जा सकता है कि हर एक गुट खड़ा हो सकता है और आपसे कह सकता है कि नहीं, इस पर मुझे आपत्ति है, और आपको जीना सिखाया जाएगा अलग अलग गुटों के द्वारा। तो आप बाएं जाएंगे तब भी मरेंगे, दाएं जाएंगे तब भी मरेंगे, आगे जाएंगे और पीछे जाएंगे तब भी, आपको कुछ नहीं करने दिया जाएगा। सब लोग अपनी अपनी रोटी सेकेंगे और आपसे ये बताएंगे कि आपको क्या करना है, और आपको सिर्फ कहेंगे कि नहीं ऐसा करना चाहिए, वो आपको बल्कि ऑर्डर देंगे कि इस तरह से जिए। तो यही एक स्टेज है जहाँ पर हम लोग अगर खड़े हो सकते हैं। और मैं किसी एक साइड की बात नहीं कर रहा, मतलब ऐसा नहीं हो रहा कि कोई एक तत्व, जैसे वो किसी ने बहुत अच्छा लिखा है कि सभी पक्षों ने मर्यादा को तोड़ा है, पांडवों ने कुछ कम और कौरवों ने कुछ ज़्यादा, ये रक्तपात कब समाप्त होगा। और ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि आप खड़े सबको बताया जाएगा, डिक्टेट किया जाएगा कि आप इस तरह से खाएं, ये कपड़ा पहने, ये लड़की इस पग में इस तरह से गई है, और ये इंसान ने इस तरह से ये वाला फलां त्यौहार मनाया है जो हमारा नहीं है, दूसरा कहेगा हमारा नहीं है, तुमने इस तरह से किया है, और इस दिन अगर ये चीज़ आप मना कर रहे हैं तो ये हमारे इसके खिलाफ है, वो उसके खिलाफ है। इस तरह 100 बहाने ढूंढे जा सकते हैं, हम सब लोगों का जीना हराम हो सकता है। सिर्फ ये इस जगह तक नहीं है, ये
थैंक यू सो मच। एक चीज और जानना चाहूंगी मैं, क्या आपको नहीं लगता एज एन एक्टर कि आपको नहीं लगता कि हमारी इंडस्ट्री ही कहीं ना कहीं दो गुटों में, जब उनकी अपनी फिल्म आती है उस पे कोई कंट्रोवर्सी होती है तो वो बराबर सामने आते हैं, लेकिन जब बात किसी और फिल्म की होती है उस पे बात करने को कहा जाता है तो वो कहीं ना कहीं डरते हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए डर डर तो इंसान का है ना, उसमें इससे हमें जो डरा रहा है उसके बारे में बात करेंगे कि आप कहें कि घर में ताला क्यों लगा रहे हो आप, है ना, घर की अंदर से चिटकनी क्यों लगा रहे हो, वो अब डर का माहौल होगा तो तभी डर रहे होंगे ना, आप कह रही हैं, है ना, मैं तो यहाँ आके खड़ा हूँ ना, तो सिर्फ सवाल ये है कि आज अगर हम नहीं खड़े होंगे तो आज आप किस तरह के कपड़े पहन के आई हैं, हो सकता है कोई इस पे भी आके आपको टिप्पणी कर दे, आपने कौन सा, आपने ये लिपस्टिक क्यों लगाई है, ये हमारा हिस्सा नहीं है, दूसरा मतलब कोई और खड़ा होकर ये कह सकता है कि आपकी लिपस्टिक या नेल पॉलिश का रंग ऐसा क्यों है। धीरे धीरे बात इस पे आने वाली है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी सुबह से शाम तक आप कैसे जिए, आप क्या खाएं, आप कैसे उठे बैठे, किससे शादी करें, कौन सा त्यौहार मनाएं, कौन सी भाषा बोलें, इस लेवल पे हम आ जाने वाले हैं। उससे पहले ही अगर हम सब खड़े होकर आवाज़ उठा सकते हैं, बोल सकते हैं, एक अच्छी सोसाइटी में खड़े हो सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप आए यहाँ पर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।